हाय बच्चों, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। आज जो है बीए पार्ट वन सेमेस्टर सेकंड का सब्जेक्ट जो है एजुकेशन, शिक्षा हम करने जा रहे हैं। जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो जितने आप लोग सब्जेक्टिव पढ़े हुए हैं, लॉन्ग टाइप आंसर और शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, उन सब का डिटेल्स अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है ईजिली आप आसानी से कर लेंगे, कोई आप लोग को दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इजिली जो है इसको सभी बच्चे उम्मीद करते हैं कि कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए, और सारा कलेक्शन ऑब्जेक्टिव का जो है इम्पोर्टेंट मैंने इस वीडियो में कर देंगे, एक बाई एक वीडियो बना देंगे उसका जो है, और लगातार आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का रेगुलर क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम 50-50 का करके जो है सबका बना देंगे, ठीक है। तो सारे ऑब्जेक्टिव आप वीवीआई यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके बाद एक भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोग का छूटेगा नहीं, ठीक है। 80% मार्क्स आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। 80% तक आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ के ला सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, ध्यान देते रहिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प हैं और एक सही है, तो सही उत्तर लिखना है, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है बच्चों। सब्जेक्ट शिक्षा है सेमेस्टर टू का बीए पार्ट वन का, ठीक है। परा एवं अपरा विद्या संबंधित है, परा एवं अपरा विद्या जो है वो संबंधित है किससे, अ नंबर वैदिक काल से, ब नंबर मुस्लिम काल से, स बौद्ध काल से, और द आधुनिक काल से, ठीक है। तो परा एवं अपरा विद्या जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, वैदिक काल से, ठीक है बच्चों। उपनयन संस्कार का संबंध किस काल की शिक्षा से था, उपनयन संस्कार का संबंध पूछ रहा है बच्चों कि किस काल की शिक्षा से था, वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, वनस्थली शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, बताइए। उपनयन संस्कार आप लोग कहाँ पढ़े थे बताइए, वैदिक शिक्षा में पढ़े थे ना बच्चों उपनयन संस्कार, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों कि वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था वो क्या था, ठीक है। मकतब, मदरसा, मठ, गुरुकुल, बताइए। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र गुरुकुल होगा, क्या होगा, गुरुकुल ही होगा ना बच्चों, कि गुरुकुल में हम लोग जो है वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ा करते थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, वैदिक काल में एक वेद का, वैदिक काल में एक वेद का जो है 12 वर्ष तक अध्ययन करने वाले को छात्र कहलाता था, क्या, वसु, भिक्षु, आदित्य, स्नातक, बताइए। स्नातक कहलाता था, क्या कहलाता था, स्नातक। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष की आयु में किस संस्कार द्वारा होता है, विद्यारंभ द्वारा, उपनयन द्वारा, समावर्तन द्वारा, उपसंपदा द्वारा, बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन जो है क्या होगा, ये जो संस्कार होता है ये उपनयन द्वारा होता है, ठीक है, उपनयन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर जो है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ है, उपनयन का जो है शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है कि क्या होगा उपनयन का शाब्दिक अर्थ, वापस पास ले जाना, गुरु से दक्षिणा लेना, घर लौटना, उपदेश देना, उपनयन का जो है शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है बताइए। गुरु के पास ले जाना जो है उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, 7 नंबर, समावर्तन का शाब्दिक अर्थ ब्रह्मचर्य आश्रम को ग्रहण करना, उपदेश प्राप्त करना, घर लौटना, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, बताइए। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ जो होगा वो क्या हो सकता है बच्चों, बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन का जो है घर लौटना समावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है। स्त्री शिक्षा की स्थिति अच्छी थी वैदिक काल में, मध्य काल में, बौद्ध काल में, ब्रिटिश काल में, बताइए। 8 नंबर जो क्वेश्चन है क्या होगा, वैदिक काल में स्त्री की शिक्षा बहुत अच्छी थी, वैदिक काल में शिक्षा का सत्र प्रारंभ होता था कार्तिक मास की पूर्णिमा को, श्रावण मास की पूर्णिमा को, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ कब होता था, श्रावण मास की पूर्णिमा को जो है वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ होता था, ठीक है। तो अब देखते हैं जो है 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैदिक शिक्षा थी, वैदिक शिक्षा थी क्या थी, देखिए यहाँ वैदिक शिक्षा थी क्या थी, बाल केंद्रित थी कि
पाठ्यक्रम घोषित थे कि और जो है अध्यापक केंद्रित थे कि अध्यात्म केंद्रित थी। तो वैदिक शिक्षा जो है अध्यापक केंद्रित हुआ करते, ठीक है। समावर्तन संस्कार किस अवसर पर होता था? समावर्तन संस्कार किस अवसर पर होता था? शिक्षा प्रारंभ करते समय, विवाह के समय, शिक्षा समाप्ति पर, कि जन्म के समय? बताइए, समावर्तन जो संस्कार होता था वो किस पर होता था? शिक्षा समाप्ति के समय पर समावर्तन संस्कार। वैदिक काल में ब्राह्मण जाति के बालकों का उपनयन संस्कार किस आयु में होता था? ब्राह्मण जाति के बालकों का उपनयन संस्कार जो होता था वो किस आयु में? 12 वर्ष में, 11 वर्ष में, 10 वर्ष में, 8 वर्ष? बताइए, ब्राह्मण जाति का जो है सबसे कम एज में होता था ना जी, सबसे कम एज में होता था 8 वर्ष में। 8 वर्ष में जो है ब्राह्मण जाति का होता। 13 नंबर, वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र थे, वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र थे मस्जिद, गुरुकुल, मठ विहार, मदरसे। बताइए क्या होगा? गुरुकुल, गुरुकुल जो थे वो थे। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था, वैदिक काल में जो है शिक्षा का माध्यम क्या था वो पूछ रहा है यहाँ पे, कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था पाली भाषा, हिंदी भाषा, अरबी व फारसी भाषा, संस्कृत भाषा। बताइए वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, बता सकते हैं कोई? इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, तो संस्कृत भाषा होगी, यही थी। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध थे, पिता पुत्रवत, स्वामी व सेवक, नेता व अन्यायी जैसा, इनमें से कोई नहीं, पिता और पुत्रवत के संबंध थे। इजी सा क्वेश्चन है, सब जो है एक बताते चलना है आप लोग को, देखते चलना है। अपरा विद्या से तात्पर्य है, अपरा विद्या से क्या तात्पर्य है? अध्यात्म विषय, लौकिक विषय और वैज्ञानिक विषय, सामाजिक विषय। तो लौकिक विषय जो है अपरा विद्या से ये तात्पर्य है, अपरा विद्या से क्या तात्पर्य है? लौकिक विषय का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, उपनयन संस्कार में किस मंत्र का उच्चारण होता है? उपनयन संस्कार में जो है ओम मंत्र, गणेश मंत्र, गायत्री मंत्र, बौद्ध मंत्र, बताइए। तो उपनयन संस्कार में जो है गायत्री मंत्र का उपयोग होता था, 17 नंबर जो है गायत्री मंत्र का उपयोग किया जाता था, ठीक है। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, पब्जा संस्कार, बिस्मिल्ला संस्कार, उपनयन संस्कार था। बहुत आसानी से करते चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप किए हैं उसी टाइप का ऑब्जेक्टिव भी इजीली है, कोई हार्ड नहीं है, तो इसलिए आसानी से जो है करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा कमेंट कर दीजिएगा, उसका अलग वीडियो बना के हम कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा उसको, और फिर अलग उसका जो है हम डिटेल्स करके उसमें डाल देंगे, ठीक है। समावर्तन संस्कार का संबंध था किससे? वैदिक कालीन शिक्षा से, बौद्ध कालीन शिक्षा से, मुस्लिम कालीन शिक्षा से, ब्रिटिश कालीन शिक्षा से, ठीक है। तो 19 नंबर जो है वैदिक कालीन शिक्षा से जो है समावर्तन का संस्कार था, वैदिक कालीन शिक्षा से जो है समावर्तन का संस्कार हुआ करता था, ठीक है। तो 20 नंबर देखिए, पब्जा संस्कार संबंधित है, पब्जा संस्कार जो है वो संबंधित है किससे? वैदिक काल से, बौद्ध काल से, मध्य काल से, उत्तर वैदिक काल से, बताइए पब्जा संस्कार जो है वो किससे संबंधित है? तो बौद्ध काल से जो है पब्जा संस्कार संबंधित था, पब्जा संस्कार बौद्ध काल संबंधित। नालंदा शिक्षा का केंद्र था वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मध्य काल में, ब्रिटिश काल में, ठीक। तो नालंदा जो है शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, वैदिक काल होगा या बौद्ध काल, ये दोनों में से होगा कोई, ठीक है। तो क्या होगा बताइए? बौद्ध काल में जो था वो नालंदा जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, ठीक है। यहाँ देखिए बौद्ध काल ये, ठीक है। तो बौद्ध काल में जो है नालंदा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, ठीक है। तो ये देखिए उपसंपदा संस्कार किस काल में होता था? उपसंपदा संस्कार पूछ रहा है, बौद्ध काल, मुस्लिम काल में, वैदिक काल में, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपसंपदा संस्कार जी भी होता था, ये भी बौद्ध काल में ही हुआ करता था, ठीक है। 23 नंबर देखते हैं बच्चों क्या है। 23 नंबर, उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद किया जाता था? उपसंपदा संस्कार बताइए, उपसंपदा संस्कार जो है कितने वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद किया जाता था बताइए? 10 वर्ष, 12 वर्ष,
15 वर्ष, 20 वर्ष, तो 12 वर्ष की आयु से किया जाता था, 12 वर्ष, ठीक है। उपसंपदा संस्कार जो होता था 12 वर्ष की आयु से होता था, ठीक है बच्चों। देखिए विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र था, विक्रमशिला जो है वो शिक्षा का केंद्र था, क्या था, वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुस्लिम काल में, ब्रिटिश काल में। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था वो वैदिक काल में था कि बौद्ध काल में कि मुस्लिम काल में कि ब्रिटिश काल में, विक्रमशिला जो था वो भी क्या होगा, बौद्ध काल में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, ठीक है। देखिए यहाँ उपसंपदा संस्कार बौद्ध शिक्षा में कम से कम कितने भिक्षुओं के समक्ष संपन्न होता था, भिक्षु कितने हुआ करते थे ये पूछ रहा है ना, तो 10 हुआ करते थे कि 15 हुआ करते थे कि 12 हुआ करते थे कि 14 हुआ करते थे, तो 10 हुआ करते थे, 10 जो है भिक्षु उपसंपदा संस्कार में बौद्ध के कम से कम 10 भिक्षुओं का किया जाता था। बौद्ध काल में विद्या अध्ययन प्रारंभ करने की आयु कितनी थी बताइए, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, ये भी आसानी से मार देंगे, 8 वर्ष जो थी वो थी, ठीक है, 8 वर्ष जो है थी, ठीक है, तो 8 वर्ष हुआ करती थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर, पब्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है, पब्जा संस्कार का जो है वो शाब्दिक अर्थ क्या कह रहा है, बाहर जाना, घर लौटना, उपदेश उपदेश जाना, सिर के बाल मुड़वाना, तो बाहर जाना जो है ये उपसंपदा संस्कार का शाब्दिक अर्थ है। बौद्ध काल में शिक्षा का प्रधान केंद्र क्या था, ये भी आसान क्वेश्चन है बच्चों, गुरुकुल, आश्रम, मठ तथा विहार, मकतब तथा मदरसे, मठ और विहार जो है बौद्ध काल में शिक्षा के प्रधान केंद्र हुआ करते थे। बौद्ध काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था, बौद्ध काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है क्या था, धनोपार्जन, निर्वाण प्राप्त करना, बौद्ध धर्म का प्रचार करना, इनमें से सभी बताइए, तो बौद्ध धर्म का प्रचार करना जो है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। 30 नंबर देखिए क्या कह रहा, बौद्ध काल में किस संस्कार के समय बालक से निम्न मंत्र का उच्चारण कराया जाता था, किस मंत्र का उच्चारण कराया जाता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म धर्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। शिक्षा ग्रहण करने के दौरान पब्जा संस्कार, उपसंपदा संस्कार, युवा होने पर, बताइए 30 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें संस्कार के समय बालक को किस मंत्र का उच्चारण कराया जाता था बताइए, शिक्षा ग्रहण करने के दौरान, कि पब्जा संस्कार, कि उपसंपदा संस्कार, कि युवा होने पर, तो उपसंपदा संस्कार में कराया जाता, ठीक है। बौद्ध काल में शिक्षा का संपूर्ण अध्ययन काल था 24 वर्ष, 12 वर्ष, 25 वर्ष, 48 वर्ष, बताइए। एक वेद के पढ़ने के लिए जो है कितना हुआ करता था, जो है 12 वर्ष, और टोटल अगर पढ़े तो 25 साल में जो है ये कंप्लीट हो जाता था, तो बौद्ध काल में 25 साल था, ठीक है। और वेद जब पढ़ते थे हम लोग तो वेद 12 वर्ष का हुआ करता था, तो बच्चों 48 साल हो जाएगा, ठीक है। तो 25 वर्ष में संपूर्ण शिक्षा का अध्ययन कर लिया जाता था बौद्ध काल में, ठीक है। तो तक्षशिला प्रथम शिक्षा किस काल में केंद्र था, मुस्लिम काल में, प्राचीन काल में, वैदिक काल में, बौद्ध काल में, तो बौद्ध काल में जो है ये प्राचीन शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। किस काल की शिक्षा में जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली व संगठित शिक्षा संस्थाओं का उदय हुआ, ठीक है, जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली और संगठनात्मक शिक्षा संस्थाओं का जो है वो उदय हुआ था किस काल में बताइए, बौद्ध काल में, मुस्लिम काल में, ब्राह्मण काल में कि वैदिक काल में, बौद्ध काल में हुआ था, ठीक है बच्चों। बौद्ध काल के नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र अध्ययन करते थे इंग्लैंड के, फ्रांस के, चीन, बर्मा, जावा के, अमेरिका के, बताइए नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र जो है वो अध्ययन करते थे कहाँ के, तो यहाँ जो है चीन, बर्मा और जावा में, यहाँ ज्यादा बौद्ध जो है थे और यहीं के जो है ग्रहण करते थे, अभी भी हैं यहाँ पे ज्यादा बौद्ध बौद्ध देशी है ये सब। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी, तो शिक्षा का माध्यम जो था वो पाली भाषा ही था ना बच्चों, पाली भाषा में ही जो है
हम लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, पाली भाषा थी, पाली भाषा हुआ करते थे। ठीक है, तो 35 तक क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू मच, और थैंक्स फॉर बरेली। थैंक यू।